तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है बर्फी और आप सबका स्वागत है मेरी हार्ट को सॉल्व सीरीज के एपिसोड नंबर 17 में। तो पिछले एपिसोड में हम गए थे एंड रेडिंग में और लेकर आए अपने साथ ढेर सारी लूट, इंक्लूडिंग ओपी टूल्स, ओपी वेपन्स और हमारे साथ दो इलाइट्रा। तो आज सबसे पहले मैंने सोचा है कि अपने एक इलाइट्रा को इस अनब्रेकिंग 3 बुक से इंचेंट करेंगे और जो हमारी ये एफिशिएंसी 4 वाली पिकेक्स है इसे हम अपनी सिल्क टच वाली पिकेक्स के साथ कंबाइन करेंगे। ओके, तो हमारा एनुअल कहाँ पर, ये रहा, ये गया ऐसे और बूम, अनब्रेकिंग 3 वाला इलाइट्रा। जरा इसे पहन के तो देखे गाइस, देखो मेरे विंग्स। और अब है टाइम अपने इस पिकेक्स को इंचेंट करने का कुछ ऐसे। ओके गाइस, तो ये जो हमारी पिकेक्स है ये हो चुकी है कम्प्लीटली मैक्सड आउट। इसके ऊपर और कोई इंचेंट नहीं लग सकती अब। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग 3, सिल्क टच और मेंडिंग के साथ। और इस एक इलाइट्रा को हम अपने एंड चेस्ट में रख देंगे। यहां से अपने इन शल्कर शेल्स को उठाऊंगा और इन्हें मैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उन्हें भी एक बार चेक कर लेना। आज के इस वीडियो को हम लाइक और रखते हैं 20 लाइक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने सोचा है कि आज जो हमारे वो विलेजर्स हैं और जो हमारे विलेजर्स जो यहाँ पर हैं हम इन्हें यूज करेंगे और अपना एक छोटा सा ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे। ओके गाइस, सबसे पहले हम अपने कोको को थोड़ा सा बैम्बू खिला देंगे। आजा भाई, कोको भाई क्या हाल चाल, ये ले खा ले खा ले, जितना खाना उतना खा। खाना क्या हो गया तुझे, खाना खाने रुक गया था। और इसके घर में थोड़े से और बैम्बूस लगा देता हूँ मैं। ओके, बस खाता जा। ओके कोको, मिलता हूँ तुझे फिर से, लेकिन अभी के लिए मेरे थोड़ा सा काम है। मैं करूंगा हार्वेस्ट इस सारे शुगर केन को। इतना ज्यादा टाइम लग रहा है हार्वेस्ट करने में। ओके, हमारे पास कितना शुगर केन है, 2.5 स्टैक, चलो काफी है। अब हम इन स्टैक्स को कर देंगे पेपर में कन्वर्ट और फिर बनाएंगे फायरवर्क रॉकेट्स। ये क्या, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह। अब है हमारे पास 2.5 स्टैक पेपर। अब मुझे चाहिए थोड़ा सा गन पाउडर। गन पाउडर, ओह मैं तो भूल ही गया, हमारे पास तो एक मॉब फार्म है, वहां पर होगा ढेर सारा गन पाउडर गाइस। और हमारे पास जेप स्ट्राइडर 3 है जिसकी वजह से हम पानी में ज्यादा तेजी से मूव कर पा रहे हैं। ओके, जरा देखे तो यहाँ पे कितना गन पाउडर है, ऑलमोस्ट एक स्टैक, बढ़िया। हमारा अब क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पर है, ये रहा। और हम इस गन पाउडर और पेपर को यूज करेंगे और बनाएंगे फायरवर्क रॉकेट्स। अरे भाई, हमारे पास अभी भी इतना पेपर बचा है कि हम और बना सकते हैं। जरा इसे जल्दी से मार दें। पांच गन पाउडर और मिल गया, मतलब इससे और बना सकते हैं रॉकेट्स। चलो अभी के लिए इतने काफी हैं। और गाइस, अब जबकि हमारे पास एक अनब्रेकिंग 3 वाला इलाइट्रा है और हमारे पास रॉकेट्स भी हैं, अब है टाइम उड़ने का। चलिए, अरे भाई मजा आ गया उड़ के। गाइस ये नजारा तो देखो, अरे भाई। ओके, सेफ लैंडिंग। अब जल्दी से अपना थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर लें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए और फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मेरे पास है अब 4 लैक्टन्स, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स और थोड़ा सा पेपर। गाइस मैं तो भूल ही गया था, हम तो अब एक डायमंड की एक्स बना सकते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स पड़े हैं और इस शवल को भी उठा लेंगे, डायमंड की शवल को। ये चलते हैं। ओके, तो मैं अपनी जल्दी से, गाइस जरा देखो तो ये शवल कितनी ज्यादा फास्ट है।
और सबसे अच्छी बात कि ये अनब्रेकिंग 3 वाली भी है, ये इतनी जल्दी टूटेगी भी नहीं। जरा देखो तो हमने कितने कम समय में इतना सारा इलाका खाली कर दिया। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक छोटा सा ट्रेडिंग हॉल, उसे बनाऊंगा मैं ऐसे, एक स्लैब जाएगी यहाँ पर। अब मैं यहाँ से एक छोटी सी स्टेयर बनाऊंगा ताकि हम अपने विलेजर को उसके अंदर रख सकें, कुछ इस तरह, नहीं कुछ इस तरह, और हमारा विलेजर जाएगा वहां पर उसके अंदर। ये रही हमारे पास काफी रेल्स पड़ी हैं, तो ये तो अच्छा है। अब हम यहाँ पर बिछा देंगे अपनी रेल को ऐसे ऐसे, और फिर यहां से हम इसे कनेक्ट भी कर देंगे। और अब जब हम दबाएंगे इस बटन को, हो गया हमारा विलेजर ऊपर। अब हम उसे धीरे धीरे धक्का देंगे। अरे अरे वापस क्यों चला गया, चलो चलो विलेजर भाई, चलते जाओ चलते जाओ। धीरे धीरे धक्का देंगे नहीं उस चेंबर के अंदर, चलो 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 भाई चलो चलो चलो। ओके अब मैं इसे तोड़ दूंगा और ये गया इसके अंदर। और अब हमें देखना है इसके ट्रेड्स। एक सेकेंड, मैं अपने इसे जल्दी से सल्कर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अभी के लिए टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम इसे यूज करेंगे। इसके अंदर जाएगा हमारा सारा पेपर और ये बाकी का सामान। अब इसके ट्रेड्स तो देखे जरा, एक्वा एफिनिटी नहीं, हमें चाहिए मेंडिंग या फिर अनब्रेकिंग 3। ओके अब यहाँ पर क्या मिला है हमें, लॉयल्टी 3 नहीं, लेकिन उससे पहले हमें अपने इस विलेजर के जहाँ पर वो खड़ा है वहां पर हम थोड़ा सा वाटर प्लेस कर देंगे ताकि ये ऐसे बाउंस करता जाए। और गाइस हमें ऐसे ही इसके ट्रेड्स को चेंज करना पड़ेगा जब तक हमें अपने डिजायर ट्रेड्स नहीं मिल जाते। पावर 5 है तो अच्छी इंचेंटर, लेकिन हमें मेंडिंग चाहिए। अरे अरे जल्दी से सो जाएं गाइस। और अब फाइनली हमारे पास है एक विलेजर जिसके पास है मेंडिंग की बुक का ट्रेड, लेकिन ये है 24 एम्स यार। अभी के लिए इसके ट्रेड को लॉक कर देते हैं अपने इस पेपर को ट्रेड करके। जरा देखे तो हमारे पास थोड़ा सा शायद और पेपर पड़ा है। ओके अब हम एक मेंडिंग की बुक को खरीद सकते हैं, उसके लिए हमें बस एक बुक चाहिए। और अब हम कर सकते हैं बाय। अरे अरे हमें तो और डिस्काउंट मिलने लग गया, 20 एम्स चाहिए अब हमें बस। चलो एक मेंडिंग हमने खरीद ली। अब जल्दी से मैं अपनी मेंडिंग को ना अपने इस इलाइटर पर लगा दूंगा, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा इलाइटर टूट जाए किसी भी दिन ऐसे। और गया बूम। अब है हमारे पास ओपी लाइटर, अब हम फ्लाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और इसी तरह से मैं बनाऊंगा एक विलेजर जो करेगा ट्रेड अनब्रेकिंग 3 को, क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्शन 4 वाला हर पीस है, हमें बस अनब्रेकिंग 3 चाहिए। अब मैं इसी प्रोसेस को फिर से दोहराऊंगा। हमारा ये वाला मॉड्यूल भी रेडी हो चुका है, लेकिन अब हमें चाहिए बस एक और विलेजर। ये गया यहाँ पर और फिर ओके अब इसे ब्रेक करेंगे और ये भी गया इसके अंदर। ओके गाइस इस बार हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं हमें अभी मिल चुकी है अनब्रेकिंग 3, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है भाई। अब हम इस पेपर को फिर से ट्रेड करेंगे अपने इस विलेजर के साथ जितना कर सके। अरे यार इतने सारे पेपर को ट्रेड करके भी हमें सिर्फ एक बुक का मिला। अब हमारा पेपर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। हमें अनब्रेकिंग 3 अपने बूट्स पर और अपने हेलमेट पर चाहिए, एक बुक तो ले ही सकते हैं। अपने हेलमेट को करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसके ऊपर एस्पिरेशन 3 पहले से ही है ना। अनब्रेकिंग 3 ओके
अब हम फाइनली अपने इस फार्म को ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं वहां पर कितने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, वो देखो अरे कमाल की चीज बनाई है हमने गाइस। अब हमारे पास प्रोटेक्शन फॉर हमारे हर पीस के ऊपर है, इसका मतलब हम लिटरली इनडिस्ट्रक्टेबल है अब, क्योंकि अब लिटरली अगर मैं लावा के अंदर भी खड़ा हो जाऊंगा मुझे इतना डैमेज नहीं मिलेगा। ओके अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। भले ही हमारे आर्मर की थोड़ी सी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, अब इस प्रोटेक्शन 3 को हम पहन लेंगे इमरजेंसी के लिए वाटर बकेट को। अब जब मैं इस लावा के अंदर जंप करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं लिटरली मैं कोई डैमेज ले ही नहीं रहा। मेरा आर्मर तो डैमेज हो रहा होगा लेकिन मैं डैमेज बहुत कम ले रहा हूँ। हेलो ज़ॉम्बी, ओके चलो चलो बहुत हो गया। अपने लाइटर को फिर से पहनेंगे और फिर अरे अरे ओके। तो चलिए गाइस आज के इस एपिसोड को हम करते हैं एंड। तो अगले एपिसोड में हम बनाएंगे फुल नेदराइट आर्मर, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है अब है टाइम नेदर में जाने का, कुछ एंशिएंट डेब्रीज को माइन करने का। तो चलिए गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है और इस वीडियो को लाइक जरूर किया है। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।